गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार। टुडे आई डिस्कस टॉपिक फॉर क्लास 8, मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल। प्रीवियस क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें मेटल्स जो हमारा रिएक्शंस करता था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलते थे मेटल ऑक्साइड। यही मैं आज डिस्कस करने वाला था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, या नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो किस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ उनका नेचर क्या होगा, क्या वो एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे, इनके बारे में स्टडी करने के लिए आज मैं जैसे मेटल्स When metals react with oxygen gas which is present in air, then its form metal oxide. As for example, sodium है जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ सफिक्स UM लगा हुआ है, दैट मीन्स सोडियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर रहा है, ये बना रहा है आपका सोडियम ऑक्साइड। जो कि आपका मेटल है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया मेटल ऑक्साइड। एज फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करे किया, फॉर्मेशन हुआ हमारा सोडियम ऑक्साइड का, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सीजन। यदि मैक्सीजन को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें, रिएक्शन होता है आपका, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन चीजों को बैलेंस कर देते हैं। मैग्नीशियम का एक एटम इधर है, एक एटम इधर, ऑक्सीजन इधर दो है, राइट साइड में आपका वन है, यहां मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन के एक एटम, हाफ इंटू टू वन एटम, और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के वन एटम। तो जो आपका एटम्स है, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट्स कर रहा है, वो आपका रिएक्टेंट में भी सेम होगा, इक्वल अमाउंट का होगा, और प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर्स ऑफ एटम होंगे। जैसे मैग्नीशियम जो आपका रिएक्टेंट बोलिए, तो जो आप एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। पार्टिसिपेशन के दरमियान जो केमिकल्स रिएक्शन हुआ, उसके फलस्वरूप जिस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड बैलेंस कर दिया। यहां पे भी देखिए, सोडियम दो है, यहां सोडियम क्या है, एक है, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में दो है, ऑक्सीजन राइट साइड में वन है, इसको बैलेंस करेंगे, यहां टू कर दिया हमने, यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड भी सोडियम के दो एटम, राइट साइड में भी सोडियम के दो एटम, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के वन एटम, हाफ इंटू टू इजकल टू वन, और राइट साइड में आपके ऑक्सीजन के एक एटम, तो ये बैलेंस हो गए। उसी तरह सिमिलरली वे में कैल्शियम प्लस
ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस कर दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, शायद ये मैं यहाँ बना चुका हूँ। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन ZnO जिंक ऑक्साइड, ये आपका रिपीट हो गया एग्जांपल। अब इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली आपके जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर दैट मीन्स कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड हैं यदि इनको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये बेस का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे आपके सोडियम ऑक्साइड, ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपके बेसिक नेचर का होगा। लेकिन इनमें से एक्सेप्शनल केस में कुछ मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, जिनके कारण हम बोल सकते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे एल्युमिनियम और जिंक, ये एक्सेप्शनल केस में वैसे मेटल्स आते हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर का भी फॉर्मेशन करता है और बेसिक नेचर का भी फॉर्मेशन करता है। ये एसिडिक नेचर के भी ऑक्साइड हो सकते हैं और ये बेसिक नेचर के भी ऑक्साइड हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक दैट मीन्स कि जो एसिडिक नेचर को भी फॉलो करे और बेसिक नेचर को भी फॉलो करे। तो ये एक्सेप्शनल केस है आपका एल्युमिनियम और जिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम यदि मेटल के ऑक्साइड्स को वाटर में डिजॉल्व करें तो बेस का फॉर्मेशन होता है, जैसे Na2O जो कि क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिसको बोलते सकते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। यदि इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगा दिए, सोडियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 और 1 2 एटम, LHS में RHS में भी 2 एटम, हाइड्रोजन के टोटल एटम है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में 2 और प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है आपका, और बेस ही नहीं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह सिमिलरली वे में मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करेंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क अप मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर से रिएक्ट किया क्या बनाया,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं। तो ये जो आपके मेटल ऑक्साइड हैं, इन्होंने बेस का फॉर्मेशन किया। वेन मेटल ऑक्साइड डिजल्व इन वाटर देन इट्स फॉर्म बेस। तो इनडायरेक्टली वे में हम यहां एक लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का। मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने पे बेस का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड देन इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि सोडियम है, सपोज दैट H2SO4 से रिएक्शन किया, जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। किस चीज का फॉर्मेशन किया, मेटल प्लस एसिड। सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा Na2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है, यहां रिलीज हो रहा है। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट्स फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शंस। ये आपका सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये एरो साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां जो है ये गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये गैसियस फॉर्म में है, जी, जो कि जी यहां है गैस को इंडिकेट कर रहा है, गैसियस स्टेट को। नेक्स्ट आते हैं, Mg प्लस H2SO4 क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे एसिड जो लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सॉल्ट बनेगा किस फॉर्म में, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में, MgSO4 प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम सल्फेट। अब दो मेटल्स की मैं बात कर रहा था, एम्फोट्रिक इन नेचर जो थे, एक्सेप्शनल केस वाले, वो थे कौन कौन, वो थे मेटल ऑक्साइड में आपके जिंक ऑक्साइड, और दूसरा क्या था हमारा, एल्युमिनियम था। जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्युमिनियम, ये दोनों एम्फोट्रिक ऑक्साइड हैं। ये मेटल का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं,
और ये जो ZnO है आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो दो ऑक्साइड है मेटल के, ये एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं, इसलिए इनको हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो जिसका मतलब होता है कि जो दोनों नेचर्स को फॉर्म करते हो, जो कि एसिडिक नेचर को भी फॉर्म करता हो और बेसिक नेचर का भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता हो। कुछ हमारे पास मेटल्स हैं जिनका रिएक्टिविटी सीरीज जानना हमें जरूरी है कि यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ, जैसे किसी को डिस्प्लेस्ड करके खुद एडजस्ट हो जाना और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना हुआ, तो उस दरमियान हमें रिएक्टिव सीरीज से हेल्प मिलता है कि कौन सा मटेरियल्स जो है या कौन सा जो मेटल्स है ज़्यादा रिएक्टिव है जो डिस्प्लेस कर सकता है। यदि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है, सपोज दैट, तो वहाँ जो आपके मेटल्स हैं वो अनदर मेटल्स वाले कंपाउंड से मेटल को डिस्प्लेस करके खुद अटैच हो जाएंगे, बशर्ते कब, जब जो मेटल हमने लिया वो मोर रिएक्टिव हो तब। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को जानना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, हाईली रिएक्टिव। इस पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, नेक्स्ट जिंक, नेक्स्ट फेरस। देन लेड, हाइड्रोजन, नेक्स्ट आपका है कॉपर, कॉपर के बाद नेक्स्ट है आपका मरकरी, उसके बाद सिल्वर और देन ऑरम, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड। ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज हैं। यदि टॉप टू बॉटम है तो हमारा जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। जैसे एस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट जो कि साल्ट है, प्लस Zn, क्या यहां रिएक्शन होगा, क्या ZnCu को रिप्लेस कर पाएगा, देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। जिंक यहां पे है और कॉपर हमारा यहां पे है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, दैट मींस कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मटेरियल साइड हो जाएगा। दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज का हमारा यहाँ इम्पोर्टेंस है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है।
आगे की क्लासेज में रिएक्टिविटी सीरीज आपको और भी हेल्प करेंगे। जब आप टेंथ में जाओगे वहाँ आपको इसका कम्प्लीटली रिएक्शंस देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज को रिमेम्बर करना मस्ट भी कंपल्सरी है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं आप धीरे धीरे उन क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करें। जो आपका आपके पास बुक्स है या नेट्स के थ्रू इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए अभी हम लोग जितना भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आप लोग को ये बात आप जान लें कि जितने भी टीचर हमारे हैं और वीडियो अपडेट कर रहे हैं जो भी है, ठीक है ना, उस वीडियो को अपने कलीग्स को और अपने मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें। क्योंकि जिसके इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनमें छोटे तबके के जो स्कूल में मान लीजिए छोटे लेवल के स्कूल में जो भी पढ़ते होंगे उनके पास बहुत सारे स्कूल में सुविधा नहीं होगा वीडियो बनाने का या नहीं पहुँच पा रहा होगा, तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोग उनको भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वीडियो बना रहे हैं ये नहीं है कि सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे सिर्फ हमारे स्कूल के ही बच्चे पढ़ें, आपके माध्यम से मेरे बच्चों आपको बोल रहे हैं आपके माध्यम से और लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिले हम ये चाहते हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हम लोग जितने भी नए वीडियो बनाते रहेंगे वो आपके पास पहुँचते रहेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। और अपने फ्रेंड्स का भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करें और जो भी प्रॉब्लम होता है टीचर्स के बारे में या जो भी है उनको आप उनको क्या करेंगे मतलब कि आप उनको कमेंट करिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए या आप उनको जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।